धर्मनिरपेक्षता शब्द को लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है और विवाद की वजह है तमिलनाडु के गवर्नर। एक कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता एक यूरोपीय अवधारणा है जो चर्च और राजा के बीच संघर्ष के बाद विकसित हुई, जबकि भारत एक धर्म केंद्रित राष्ट्र है, इसीलिए यह संविधान का हिस्सा नहीं था बल्कि इसे आपातकाल के दौरान एक असुरक्षित प्रधानमंत्री ने जोड़ा था। देश के लोगों के साथ बहुत धोखाधड़ी की गई है, उनमें से एक धर्मनिरपेक्षता की गलत व्याख्या है। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी देश की पीएम थी, राज्यपाल रवि ने उन पर भी निशाना साधा है। अब इसको लेकर विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। माफ कीजिए अगर मैं ये बात कहूँ कि फ्रॉड तो गवर्नर ही कर रहे हैं, इस मायने में कर रहे हैं, मैं फ्रॉड शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, उन्होंने उसी कॉन्स्टिट्यूशन पर शपथ ली होगी ना एज अ गवर्नर, जिस कॉन्स्टिट्यूशन का एक आंतरिक हिस्सा सेक्युलरिज्म है, केवल शब्द में नहीं, ये तो पूरे तौर पर यही कहना चाह रहे हैं जो आरएसएस ने 1948 में कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉरेन कॉन्सेप्ट है, हमें तो मनुस्मृति चाहिए इस देश को चलाने के लिए। और ऐसे शख्स को मोदी सरकार गवर्नर अपॉइंट करे, आप सोचिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।